वेलकम बच्चों। सो हमारा मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में एक्सरसाइज 7.1 के लास्ट के दो प्रॉब्लम्स बाकी है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो इसके पहले हमने बहुत सारे हर फिगर के यानी जितने भी फिगर आपके 10th क्लास के लिए दी है उसके हमने वॉल्यूम, उसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इन सब के फॉर्मूले देखे, ठीक है। सो आप उसे पढ़ते रहिए और बराबर इसको सॉल्व करते रहिए, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं हम हमेशा की तरह आंसर्स के, ठीक है। चलो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। आप वहाँ पर किताब में देख सकते हैं, इनकेस यहाँ पर दिखता नहीं तो, लेकिन दिखने के तो चांसेस भरपूर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डायग्राम डबल नहीं निकालता, ऑलरेडी आई हैव ड्रॉन हियर दैट डायग्राम। सो देखो वहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको, फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द बीच बॉल, जो बीच पर बॉल खेला जाता है वॉलीबॉल वगैरह, ठीक है। सो उसके बारे में कुछ दिया है तो वहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं हम फॉर बीच बॉल, ठीक है। फॉर बीच बॉल क्या दिया है उन्होंने, चलो देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में कुछ नज़र नहीं आ रहा तो हम काम करेंगे डायग्राम में देखते। तो डायग्राम में यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ दिया है, तो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक है इसका मतलब वो हमारा डायमीटर होगा। सो आप यहाँ पे लिखते हो डायमीटर दिया है 42 सेंटीमीटर। अब क्योंकि डायमीटर से हम जनरली काम नहीं करते, हमारे जितने भी फार्मूले हैं हमने रेडियस के फॉर्म में रखे हैं, तो हम एक काम करते हैं पहले रेडियस निकालते हैं। सिंपल है रेडियस, डायमीटर की क्या होती है, हाफ होती है। तो डायमीटर 42 है, 42 अपॉन 2 करेंगे तो दैट विल बी 21 सेंटीमीटर। अब आपको रेडियस मिल गई, ठीक है। अब आपको काम कौन सा करना है जो उन्होंने पूछा, पहला क्या पूछा, सरफेस एरिया। तो हम हेडिंग डाल देते सरफेस एरिया ऑफ बीच बॉल, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ, देखो अब बीच बॉल बोलने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप बोलो बॉल, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ बॉल, अब बॉल होता है हमारे स्पीयर के आकार का, यानी सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर होगा, क्या फार्मूला है, 4πr², ठीक है। क्या फार्मूला हमारे पास, 4πr², यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। आप इसको एस बोल सकते हो, ठीक है। सो ये 4 है, आप यहाँ पर पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 ले सकते हो, क्योंकि 21 7 के टेबल में आते हैं। अब ये आर है, आर हमारे पास 21 है उसका स्क्वेयर, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, ये 4 है, ये 22 इंटू 21 को डबल लिख लेते हैं हम, ठीक है। और नीचे में आपका हो जाएगा 7। तो आप इसको सॉल्व करना शुरू करें, ये 4 है, 7 से कट नहीं होगा, 22 भी कट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 7 इसको कट करेगा तो 7 त्रिज्या हो जाएगा और इनटू 21, ठीक। चलो अब सॉल्व करना शुरू करो। तो ये हमारे पास में है, देखो मैं सिंपल सॉल्व करता हूँ, 3 तो 3 × 4 = 12, 12 से इसको करो तो 12 × 2 = आपको मालूम है 12 × 2 = मिलेगा 24, बचेंगे 2, 12 × 2 = 24 और 2 ये बनेंगे 26 इंटू हमारे पास फिर से 21 है। और इसलिए अब ये फाइनल लाइन होने वाली है, तो यस इज इक्वल टू आप 21 से मल्टीप्लाई कर दो तो 21 × 4 = ये बनेंगे आपके 84। सो आप यहाँ पे लिखेंगे 4, आपके पास बचे हैं 8। अब 21 × 6 = तो ये बन जाएंगे 126, ठीक है। इसको पहले ऐड करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 4 × 1 यानी 3, तो ये आ जाएगा 4, फिर बचेंगे 13। अब 21 × 2 = 42 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 5 5 4 4। और क्योंकि ये सरफेस एरिया है तो सरफेस एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वेयर। सो बच्चों इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल फार्मूला लगाना है, उसमें वैल्यू रख देना है, और वैल्यू रख देने के बाद में आपको वहाँ पर सिंपली क्या कर देना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक। चलो अब वी हैव बीन आस्क्ड द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बॉल क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ बॉल। अब मुझे बताओ कौन बताएगा मुझे वॉल्यूम ऑफ बॉल का फार्मूला क्या है। यस, वॉल्यूम ऑफ बॉल का फार्मूला है 4/3πr³। वॉल्यूम को मैं वी शब्द डाल सकता हूँ, या फिर आपने नहीं डाला वो कंप्लीट लाइन लिखी तो भी चल जाएगा। तो ये हमारे पास है 4/3, यहाँ पर पाई की वैल्यू फिर से 22/7 लेते, ध्यान दो बच्चों यहाँ पर आप पाई की वैल्यू 3.14 भी ले सकते हो, लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं लेंगे तो ये यहाँ पे सिंपल कैंसिल आउट हो जाता है 7 से, ठीक है। अब यहाँ पे आर क्यूब है तो आर क्यूब का मतलब 21 क्यूब, इसको थोड़ा सॉल्व करना शुरू करते तो 4 × 22, ये 21 3 बार होंगे, ठीक है,
थोड़ा हमको आसानी हो जाएगी सॉल्व करने को। ये 3 और 7 है, 3 × 7, ठीक। चलो तो 4 2 8, 4 2 8 इंटू, अब देखो नीचे में 3 7 कितने होंगे 21, किसी एक 21 के साथ में वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। चलो अब हमारे पास है 21 × 21, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, 21 21 है, 21 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 21 का स्क्वायर 441। अब सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 441 को 88 से, ठीक है। तो 8 1 8, 8 4 32 कैरी 3, 8 4 32 और 3 35, हम एक जीरो लेंगे, फिर से 8 2 5 3 यही आने वाला है। तो यहाँ पर 8 होगा, ये 0 क्योंकि 10 कैरी 1, ठीक है, ये फिर से 8, ये फिर से 8 और ये होगा 3, यानी आपका आंसर बनेगा यहाँ पर 38808। और क्योंकि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बच्चों यहाँ पर हो सकता है मेरी एक आध बार गड़बड़ी हो जाए, तो आप वहाँ पर बराबर क्लियर कर सकते हो और वहाँ पर आंसर बराबर लिखिए, ठीक है। हाँ, इस वैल्यू जो हमने पाई की रखी उसके अनुसार, अगर पाई की वैल्यू 3.14 रखते हो तो यहाँ पे आंसर पॉइंट में भी दिखेगा और थोड़ा सा हल्का सा फर्क आएगा, ठीक है। और कभी कभी ये भी होता है कि कुछ लोग पाई की वैल्यू रखते भी नहीं, सिंपल यानी जो भी आएगा पाई लगा देते हैं, ठीक है, तो वो भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास में वी कैन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ बॉल एज वेल एज द वॉल्यूम ऑफ द बॉल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल और फॉर ऑल दिस वी शुड नो द फार्मूले, इन सब बातों के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है फार्मूले की, तो बराबर फार्मूले याद कर लिया करो, ठीक है। बच्चों अभी हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है। मैं फिर से यहाँ पे डायग्राम नहीं निकालता हूँ क्योंकि ऑलरेडी निकाली हुई, लेकिन आपको ध्यान में रखना है आपको डायग्राम निकालनी है, ठीक है। सो एज शोन इन द फिगर अ सिलेंड्रिकल ग्लास कंटेन्स वाटर, एक्चुअली वाटर यहाँ पर आप थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में जो किताब यानी जो डायग्राम है वहाँ पर थोड़ा सा वाटर नीचे की तरफ बताया गया है, एक्चुअली वैसा नहीं करना है आपको, पूरा ब्रिम तक, क्या बोलते हैं उसको, ब्रिम बोलते हैं, ब्रिम ब्रिम यानी यहाँ तक पूरे टॉप तक, ठीक है, यानी ऊपर तक, ऊपर के लेवल तक, ठीक है, काठावर्ती, ठीक है, पूरा का पूरा वाटर लेना है, ठीक है, वो ध्यान में रखो। लेकिन अब इसमें दो चीज़ें हैं, खुद देखो आगे कहा है, अ मेटल स्पीयर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज इमर्स इन इट, इसमें क्या डुबोया गया है, ये दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का, ये मेटल स्पीयर है। अब आपको बच्चों अच्छे से मालूम है, कोई चीज़ अगर पानी में डाल देंगे, पानी बोलो या फिर कोई भी लिक्विड, तो वो क्या होता है कि वो लेवल ऊपर में आती, जितनी जितना क्या होता है वो बॉल होगा उतना वाटर ऊपर आएगा। तो यहाँ पर ऊपर तो वाटर आ तो चुका है, लेकिन इसमें ऑलरेडी कौन है हमारे पास में, मेटल बॉल है। अगर मेटल बॉल अगर डाला नहीं होता तो सिंपल है पानी की लेवल थोड़ी कम होती है, ठीक है। और वही उन्होंने कहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन द ग्लास, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये बॉल नहीं होता, स्पीयर नहीं होता, तो कितना वाटर उसमें बचा होता, ठीक है, तो वही हमको निकालना है। सो चलो पहले हमारे पास में यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास में एक तरह से ना ये वाटर कॉलम बोलते हैं इसको, तो ये सिलेंड्रिकल शेप में है, तो सिलेंड्रिकल ग्लास के बारे में लिख लेते, तो हेडिंग डाल देते फॉर सिलेंड्रिकल ग्लास, ठीक है। सिलेंड्रिकल ग्लास क्या दिया है उसके बारे में वो देख लो, ठीक है। ये 30 सेंटीमीटर हाइट है और यहाँ से यहाँ तक है, मतलब डायमीटर है, सो वी राइट हियर डायमीटर एज 14 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड द रेडियस एज d/2। यू नो व्हाट, r = d/2, नाउ द वैल्यू ऑफ d इज 14 upon 2, दैट कम्स टू 7 सेंटीमीटर अगेन, ठीक है। हमारे पास कितना मिल जाएगा, 7 सेंटीमीटर। नाउ चेक हियर, दिस इज योर हाइट, सो यू राइट हियर h इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितना लिखेंगे आप 30। तो अब पानी इसमें पूरा भरा है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, ठीक है, कि अंदर का पूरा भाग यानी वॉल्यूम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ग्लास, ठीक है। अच्छा, ग्लास कौन से आकार का है, सिलेंड्रिकल, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ ग्लास क्या है, पाई आर स्क्वेयर एच। अब पाई की वैल्यू रहने दो, रखेंगे तो भी चलेगा, तुम्हारी इच्छा, ठीक है। सो हियर इट इज पाई, आर स्क्वेयर क्या है हमारे पास में, 7 स्क्वेयर है, ठीक है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर रेंद बाद में भी आप रख सकते हो, ठीक है। ये एच है, तो एच हमारे पास कितना है, 30 है, बराबर। तो अब आपको मालूम है ये पाई, 7 का स्क्वेयर 49 × 30, ठीक। तो मल्टीप्लाई करो, 3 से 3 9 27, बचे 2, 3 4 12, 12 और 2 बनेंगे
14 यहाँ पे जीरो डाल दो और इसको लगा देंगे पाई इतना सेंटीमीटर क्यूब, इसको नाम देता मैं V1, वॉल्यूम ऑफ ग्लास है। लेकिन अभी बच्चों इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ ग्लास है लेकिन ग्लास में दो तरह के मटेरियल है, एक मटेरियल खुद वाटर है, दूसरा मटेरियल है मेटल बॉल, यानी पूरा उसमें जो वाटर भरा है सिर्फ उतना ही होता तो डायरेक्ट हम लिखते वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ग्लास। क्योंकि आपको मालूम है जो लिक्विड होता है, लिक्विड का खुद का कोई शेप नहीं होता, खुद का कोई साइज़ नहीं होता, जिसमें भी डाल दो वो उसके जैसा बन जाता है, ठीक है। जैसे वाटर इसमें डाला तो सिलेंड्रिकल, अगर आपने किसी के बॉक्स में डाला तो वो शेप ले लेता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका ग्लास का जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम वाटर का होता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि यहाँ हमें मेटल स्पीयर डाला है, मेटल बॉल डालने के कारण हमको मेटल बॉल का जो वॉल्यूम है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से मेटल स्पीयर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो लिखते, उससे वॉल्यूम निकालते और ये जो वॉल्यूम है उसमें से उसको माइनस कर देंगे, तो फिर उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है ये हम निकाल पाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पर उन्होंने जो कहा है देखो मेटल स्पीयर, तो हेडिंग डाल देते फॉर मेटल स्पीयर, क्या हेडिंग डालेंगे फॉर मेटल स्पीयर, यहां पर हेडिंग डाल दी हमने फॉर मेटल स्पीयर। देखो वी हैव बीन गिवन द डायमीटर, सो वी राइट हियर डी अगेन 2 सेंटीमीटर दिया है। अब फिर से रेडियस निकाल देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ पर डी बाय टू होगा, मतलब 2/2 एंड दैट विल बी 1 सेंटीमीटर। चलो इसका भी वॉल्यूम निकाल दें, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या कहेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, तो स्पीयर का जो वॉल्यूम है, फिर से स्पीयर है भाई तो स्पीयर का वॉल्यूम तो वही होगा पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ V2। नाउ हियर आई पुट पाई एज इट इज़, नाउ आर आर इज नथिंग बट 1, सॉरी मेरी गलती हो गई, एक मैंने यहाँ पर ये लिखा, ठीक है। एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ ग्लास, ग्लास सिलेंड्रिकल है तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है यहाँ पर हमारे पास में पाई आर स्क्वायर एच। हम अगर बात करते हैं हमारे वॉल्यूम ऑफ स्पीयर की, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, स्पीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है, ये ध्यान में रखो, थोड़ा सा मेरी गड़बड़ी हो गई यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर 4/3 है, यहाँ पाई को 2 मिनट के लिए रहने दो, हम उसको बाद में देख लेंगे, यहाँ पे आर क्यूब है एंड आर इज 1 क्यूब, तो सिंपली यू राइट हियर, देखो 1 का क्यूब तो 1 है, तो सिंपली दिस विल बी 4π/3 cm³, इतना मेटल स्पीयर का वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन द ग्लास, तो हम पहले वो लिख लेते, हेडिंग डाल देते। सो नाउ क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द ग्लास, रिमेनिंग इन द ग्लास इज इक्वल टू, तो मैं कहूँगा आपसे, मैंने बताया था ये V1 है, इस V1 यानी पूरे ग्लास का वॉल्यूम में से आप क्या करो, ये मेटल स्पीयर का वॉल्यूम माइनस करो यानी V2। तो देखो V1 हमारे पास कितना है, 1470 पाई है, माइनस V2 कितना है, 4π/3 है, ठीक है। तो एक काम कर लेते, पहले पाई को कॉमन निकाल देते, 4 ये है हमारे पास में, ठीक है, माइनस 4/3 होगा और यहाँ पर हम पाई रखते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से काम चलाते हैं, ये 0, 3 7 21 बचे 2, 3 4 12, 12 2 14 बचा 1, 3 1 3, 3 और 1 4, माइनस ये 4 आएगा अपॉन में 3, ठीक है। और यहाँ पर पाई लिख लेते, तो इसमें से क्या हो जाएगा, 4 चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 10 में से 4 गया तो 6, यानी 4406 ऐसा लिखेंगे, और फिर यहाँ पर 3 है और यहाँ ये पाई है, ठीक है। अब आप लास्ट में पाई की वैल्यू रख सकते हैं, पहले इसको सॉल्व करना चाहिए तो आप कर लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4 1 4 बचा, सॉरी 3 1 3 बचा 1 1, यानी 14, तो 3 4 बनेगा हमारे पास 12, बचेंगे 2 पे 0 आ गया, तो 3 6 18 बचेंगे 2 पे 6 आ जाएगा, तो 3 8 ये हो जाएगा 24, फिर से 2 बच गए तो 20 होगा, तो पॉइंट देने के बाद में 6 3 6 18, ठीक है, फिर से 20 तो 3 6 18 आप ये लिख सकते हो,
और उसके बाद में बच्चों यहाँ पर आपको सिंपली क्या जोड़ देना है, पाए को जोड़ देना है। अब 6 रिपीट होंगे, तो मैंने कहा था जैसे 6 पॉइंट के बाद में है तो कोई नंबर, मैं दो आंकड़े लिखता हूँ और यहाँ से इसको निकालता हूँ, तो ये 5 या 5 से ज़्यादा है जिसके नाम का आप इसमें 1 मिला सकते हो, ठीक है। इनकेस कभी कभी नहीं मिला तो भी आंसर उतना दिया जाता है आपको, तो कोई हरकत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वहाँ पर बचेगा। अब लास्ट में अगर आपने पाई की वैल्यू रख दी तो आप यहाँ पे 22.7 या फिर 3.14 रख सकते हो, ठीक है। नहीं तो फिर आपने ऐसे भी रख दिया तो भी कोई हरकत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसा, हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम पाई की वैल्यू रख कर 22.7 रख सकते थे क्योंकि यहाँ ये 7 को कट कर देता है 22.7, तो वो 7। लेकिन यहाँ पर ना हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो यहाँ पर क्या रखना पड़ता, फिर 3.14 रखना पड़ता, ठीक है। तो दो अलग चीज़ें नहीं रखते हम, इसलिए एक तो 3.14 रखो दोनों में, नहीं तो 22.7 रखो, नहीं तो फिर सिंपली पाई जैसा है वैसा रख दो। तो ये थोड़ी कंसेप्ट होती है, ध्यान में रखनी है। तो बच्चों हमारा जो मेंशुरेशन चैप्टर है एक्सरसाइज 7.1 में से जो हमारे दो लास्ट के क्वेश्चन बचे थे, तो उन क्वेश्चन के ये यहाँ पर आंसर्स है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है कि कल आपको मान लो मैं कल का 1 नवंबर है, ठीक है, यानी महीने की शुरुआत है। वैसे तो हमारा क्लास का एक थोड़ा सा ये पार्ट है कि लास्ट डे जो होता है मंथ का, उस दिन हम उस क्या कर देते हैं, छुट्टी दे देते हैं, ठीक है, ताकि आप भी थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाइए इस तरीके से, ठीक है। तो कोई हरकत नहीं, आज हम पढ़ लेते हैं, कल हम देख लेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन, बाय।